अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल फाइन। इस वीडियो में हम करेंगे 20.4 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके आई थिंक कितने पार्ट्स हैं, जिसके 3 पार्ट्स हैं, उसको हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स किए थे, तो हेयर वी स्टार्ट। क्या कह रहे हैं, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, और कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं। ठीक है, ये तो उन्होंने गिवन में दे दिया, बता दिया कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अब क्या क्या रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शंस। अब इन्होंने कुछ फंक्शंस दिए हैं, देखें जैसे कि क्वेश्चन पार्ट 1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 2 के पहला फंक्शन है 1/α + 1/β और होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर द, ये तो इन्होंने कहा हुआ है ना, तो ये लिख दें सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। सही है, अब अल्फा बीटा की जहां बात होगी, जिस तरह की हम लास्ट वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो कि होता है -b/a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब दोनों रूट्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो c/a, तो सम ऑफ रूट बराबर है माइनस एज इट इज़ b। क्या है स्टूडेंट्स, b क्या है? अच्छा, इक्वेशन पहले यहाँ लिख लेते तो अच्छा होता, बल्कि मैं काम करता हूँ, इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, और हमसे एक चीज़ मिसिंग हो गई, यहाँ ए बी सी निकाल लें स्टूडेंट्स। ए क्या है, ए 2 है, बी क्या है, बी 3 है, सी क्या है, सी 7 है, ए बी सी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैं लिखना भूल गया था। बी की जगह क्या आएगा, बी की जगह -3 है, तो यहाँ भी माइनस है, ए की जगह 2 है, ये मैंने 2 एज इट इज़ कॉपी कर लिया, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई, क्या आई स्टूडेंट्स, 3/2। याद रखिएगा ये तीनों पार्ट्स में यही वैल्यू यूज़ होगी अल्फ़ा प्लस बीटा की। अच्छा जी, अल्फ़ा बीटा देखते हैं, इसको नाम देना चाहे तो इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, c की जगह 7, a की जगह 2, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ 7/2। ये दो तो आ गए, ठीक है, ये तो हमें निकालनी थी। सही है, अब सवाल क्या है हमारा, सवाल था ये, सही है। अब क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 1/α + 1/β और स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करें कि एंड में जो हमारे पास जो इक्वेशन बने ना, मतलब जो इसी को ड्राइव करके जो चीज़ बने, वो प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में होने चाहिए, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, इस तरह का सवाल था, दोनों का एलसीएम ले लें, याद है आपको स्टूडेंट्स, अल्फ़ा बीटा इसका एलसीएम आएगा। अच्छा जी, अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करें तो बीटा बचेगा, बीटा हम एज इट इज़ लिख दिया करते थे, यहाँ पे अल्फ़ा लिखते थे और होल स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ है, आप इसको इंटरचेंज करके ऐसे लिख दें अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख दें, ये हमने लिख दिया इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर जो है अल्फ़ा प्लस बीटा पे भी है और अल्फ़ा बीटा पे भी है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। सही है, ये दोनों एक ही चीज़ है, मैं सिर्फ मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3/2, जो मैंने कहा था, याद रखिएगा। अब हम यहाँ लिख लें पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की अगर आप वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, तो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3/2, उसका हमने होल स्क्वायर ले लिया, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स, 7/2, इसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 9, 2 का स्क्वायर लेंगे आएगा 4, 7 का स्क्वायर लेंगे ये आएगा 49, 2 का स्क्वायर लेंगे ये आएगा 4। अच्छा जी, क्या करें अब,
ये हो जाएगा 9/4, ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ये डिवाइड का साइन पता है आपको मल्टीप्लाई में चेंज होता है, वैसे तो ये दोनों कट सकते हैं लेकिन एक प्रॉपर तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको। और नीचे की जो डिवीजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये रेसिप्रोकल हो जाती है, सही है, मल्टीप्लाई का साइन आता है और ये रेसिप्रोकल हो जाती है, तो 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर आया 9/49। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से 4 भी कट कर सकते थे। तो ये हमारा आंसर आया, ये वैल्यू आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आई है, 1/α + 1/β² इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट टू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बेसिक क्वेश्चन तो वही है मेन क्वेश्चन, सही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब सवाल ये है हमारे पास, इसको फॉर्म में लाना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। इसका सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन कॉपी कर लें, अब हम इसका एलसीएम ले लें तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब क्या करें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो अल्फा स्क्वायर रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर को अल्फा से मल्टीप्लाई करें, अल्फा क्यूब, यहाँ अल्फा क्यूब है तो यहाँ क्या आएगा, बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि मैंने आप पहले बता चुका हूँ आपको, वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अपॉन में क्या लिखना है हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लेकिन मैं अल्फा बीटा लिख के होल स्क्वायर लगा दूंगा तो कोई मसला नहीं होगा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट करनी है हमें इस इक्वेशन, कैसे करें, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, 3/2, ठीक है, और बाहर आ गया होल क्यूब माइनस 3, अल्फा बीटा की जगह 7/2, ठीक है, और अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3/2, ठीक है, तो ये आ गया नीचे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह 7/2 और होल स्क्वायर, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस, ठीक है स्टूडेंट, गलत तो नहीं है, 7 3 21, 21 3 63 और 2 2 4, ये आ गया। अपॉन में क्या आया, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, सही है, तो इनका एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, 8 आएगा इसका एलसीएम, सही है, 8 को 8 से डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए 27 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए 2 आएगा, 2 को 63 से मल्टीप्लाई कीजिए 126 आएगा, सही है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ 49/4, ये डिवाइड हो रहा था, आपको पता है ना डिवीजन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लिकेशन में, और दोनों क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, छोटी क्लासेस में बताते हैं। तो 127 माइनस 126 क्या बचा स्टूडेंट्स, ये बचेगा -99 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 49, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको कैंसिलेशन करते हैं, 4 1 4 4 2 8, सही है, अब ये दोनों तो कैंसिल हो नहीं रहे, तो ऊपर बचा -99, नीचे क्या बचा, 49 2 98, चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। ट्वेंटी पॉइंट फोर का जी बिल्कुल सही है, -99/98, ये हमने वैल्यू निकाल ली अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर की। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करते हैं, लास्ट पार्ट है ये, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हमें पता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, 1/A(α+1) 1/A(β+1), इन दोनों का एलसीएम ले लें क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में दिए हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया A(α+1), सही है, और ये हो गया A(β+1). अब इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर A(α+1) से डिवाइड किया जाए तो A(α) वाली चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा,
ए बीटा प्लस वन रह जाएगा। और इन दोनों ब्रैकेट्स को अगर बीटा वाली ये टर्म से पूरी से डिवाइड किया जाए तो ये बीटा वाली पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा वाला रह जाएगा, तो हो जाएगा ए अल्फा प्लस वन। ठीक है, ये हम वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी। अच्छा जी, अब देखें ए ए वालों को एक तरफ कर लें, तो ये हो गया ए बीटा, बल्कि ऐसे कर लें, पहले अल्फ़ा लिख लें, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लिया, वन और वन टू होगा। नीचे क्या है, नीचे अभी एज इट इज चलने दें, ये हो गया ए अल्फ़ा प्लस वन, और दूसरी चीज़ क्या हो गई, ए बीटा प्लस वन। सही है। अच्छा जी, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है ए, तो हमने ए कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा स्टूडेंट्स, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा। अच्छा जी, नीचे क्या होगा, नीचे अभी हमें पता ही नहीं है क्या करें, देखते हैं क्या करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा दें, ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ए अल्फ़ा को वन से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा, वन को ए बीटा से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा ए बीटा। अच्छा जी, आगे, और वन को वन से मल्टीप्लाई कराएं, ये हो जाएगा वन। ऊपर तो अब तंग नहीं करना है क्योंकि अल्फ़ा बीटा तो आ ही गया है पॉजिटिव साइन के साथ, ए अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखें हमारे पास ना ये प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें मिल चुका है, तो इसको भी तंग ना करें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, ए अंदर क्या रह गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस वन, तो ये हमारा सवाल हो गया है। अभी हमने वैल्यूज पुट नहीं किए, तो अब देखें वैल्यूज पुट करते हैं, ए की जगह ए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, याद है ना वैल्यू निकाली थी 3/2, याद होगा आपको, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 7/2, ये भी याद होगा आपको, प्लस ए अल्फा प्लस बीटा 3/2 एडिशन ऑफ 1। हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3a 3a/2, तो दिस बिकम्स 3a/2 होल डिवाइडेड बाय 7a² / 2। ठीक है, अच्छा जी, 3a/2 प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करें हम, ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1, एलसीएम आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 7a से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 7a², 2 को 2 से डिवाइड करें 1, 1 को 3a से मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 3a, 2 को 1 से डिवाइड करें 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, 3a/2 तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ 2 भी आना था। ठीक है, तो आखिरी स्टेप क्या होगा हमारा, 3a/2 मल्टीप्लाई बाय, ये जो डिवाइड हो रहा था ना नीचे वाली चीज़, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगी और ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, 2/7a² + 3a + 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया 3a/7a² + 3a + 2। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है। सेवन ए स्क्वायर 3a + 4 आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर। यहाँ क्या मसला हो गया, 3a + 4 आ रहा है हमारे पास, तो देखें स्टूडेंट्स क्या मसला है यहाँ पे, इसको दोबारा लेके चलते हैं शुरू से। अल्फ़ा ए कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अलग प्लस 2। अच्छा जी, ये 2 नहीं लिखा हमने, ये देखें ये 2 हम लिखना भूल गए, तो यहाँ भी आ जाएगा 2, हमारी मिस्टेक थी, यहाँ भी आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा 2। अब इन दोनों का ऊपर भी एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 3a, बल्कि एलसीएम ले लें ऐसे, 2 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 3a + 4। अब ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 3a + 4,
अब सही, अब आप करेंगे ना अपनी कॉपी में समझ में आ जाएगा आपको हमसे क्या मिस्टेक होगी। 2 कैंसिल होगा तो आंसर आया 3a+4/7a² + 3a + 2। दैट एंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3।